हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो आज फाइनली मैं अपनी ही गाड़ी का आपको रिव्यू प्रोवाइड करूंगा। और मैंने ये गाड़ी 2023 मॉडल टर्बो RS जो परचेज़ की थी, तो मैं आपको बताऊंगा इसके इंटीरियर और एक्सटीरियर में क्या क्या फीचर्स हैं। तो और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा मुझे गाड़ी किस अनवाइस पे मिली है। तो अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो मेरा यूट्यूब में सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेगा। और बिना वेट कराए आप चलते हैं टर्बो RS के रिव्यू की तरफ। तो फाइनली होंडा वालों ने 2022 में जो ओवरऑल वर्ल्ड वाइड में 11 जनरेशन चल रही थी, तो पाकिस्तान में भी इंट्रोड्यूस करवा दी थी। तो इसमें उन्होंने पाकिस्तान में 3 वेरियंट लॉन्च करवाए थे, तो जिसमें स्टैंडर्ड, ओरियल और RS टर्बो। तो ये जो आपको वेरिएंट नज़र आ रही है, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट RS टर्बो। तो अब आप इसके फ्रंट प्रोफाइल की तरफ चलते हैं। तो इसके फ्रंट प्रोफाइल में इसकी जो ग्रिल है आपको नज़र आएगी, तो ये फ्रंट प्रोफाइल को बहुत ही, यानी कि आप देखें, बल्कि लुक देती है। और अगर आप देखेंगे इसके फ्रंट पर आपको होंडा का लोगो नज़र आएगा, RS की बैजिंग नज़र आएगी और फ्रंट पर आपको कैमरा नज़र आएगा। और अगर आप नीचे इसकी ग्रिल की बात करें, वो भी मैट फिनिशिंग में दी गई है। और फोग लैम्प में देखेंगे तो फोग लैम्प भी इसके अंदर आपको LED नज़र आएगा। और बात करें इसकी हेडलाइट की, तो टर्निंग इंडिकेटर के साथ साथ आपको DLR लाइट्स नज़र आएंगी और LED इसके अंदर लैंप दिए गए हैं। और स्पेशली जो आप देखेंगे तो अमूमन गाड़ियों में लेफ़्ट साइड पे आपको गाड़ी की हाई बीम नज़र आती है, लेकिन उन्होंने मिडल में इंस्टॉल कर दी है। और अगर आप देखें इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें, काफ़ी इंप्रूवमेंट दिखाई गई इसकी बिल्ड क्वालिटी की में। और एज़ कम्पेयर टू ओल्ड शेप जो 10th जनरेशन में, उसमें काफ़ी यानी कि बिल्ड क्वालिटी के इश्यूज़ थे। और देखे जाए तो इसके अंदर जो वाइपर्स हैं उसमें ये एडिशन किया गया कि वाइपर्स के अंदर ही शावर इंस्टॉल कर दिए गए। स्क्रीन में आपको इसका सिस्टम नज़र आएगा, सेंसिंग सिस्टम, अडेप्टिव क्रूज सिस्टम इसके आपको फ्रंट स्क्रीन में नज़र आएगा। और फ्रंट पे देखेंगे ना, तो साइड से आप देखेंगे तो यहाँ से लेके ओवरऑल जो गाड़ी की फ्रंट शेप है ना, लाइट समेत, वो एक ही यानी कि आप उसको पीस कहेंगे। पहले जो लाइट की एडजस्टमेंट एडजस्ट करने के लिए लग उसकी फिनिशिंग होती थी, लेकिन अब उन्होंने देखे कि सारा सिस्टम ऊपर से लेके नीचे तक फ्रंट प्रोफाइल में देखें, एक ही उन्होंने हिस्सा कर दिया है। अगर आप इसके साइड प्रोफाइल में देखेंगे तो सबसे पहले आपको नज़र आएगा इसके रिम। तो इसके अंदर 17 इंच के रिम दिए गए हैं और जो रिम डिज़ाइन है वो बहुत ही खूबसूरत है। मैट ब्लैक कलर का इसके अंदर रिम इंस्टॉल्ड दिया गया जो टर्बो RS में आता है। और ओरियल की बात करें तो जिसके अंदर आपको 16 इंच के अलॉय व्हील नज़र आएंगे और सिल्वर रंग का उसके अंदर रिम नज़र आएगा। तो स्पेशली इसके अंदर उन्होंने 17 इंच का अलॉय व्हील दिया गया और बहुत ही खूबसूरत लगता है। और बात करें इसके अंदर पियानो ब्लैक कलर का टर्बो RS में काफ़ी यूज़ दिया गया। और अगर आप इसके साइड मिरर में बात करें तो आपको पियानो ब्लैक कलर का टच लाजमी नज़र आएगा। डोर हैंडल्स उसके पियानो ब्लैक कलर में। और इसके जो रूफ़ के अंदर, पैनोरमिक रूफ़ नहीं है लेकिन इसके अंदर सनरूफ है। और इसके अंदर एक और बात एडिशन न्यू है कि जो इसकी जो पिलर और जो छत है, वो आपको जो रूफ़ और पिलर दोनों यानी कि ज्वाइन है, कोई इसके अंदर गैप नहीं दिया गया। तो ये टर्बो RS जो सी सेगमेंट की गाड़ी में फ़र्स्ट टाइम इन्होंने ये फीचर इंक्लूड किया गया। और स्पेशली जो इसकी साइड प्रोफाइल में ना, फ्रंट से लेके लास्ट तक आपको क्रिएटिव लाइंस जाती नज़र आएगी, एक ऊपर से और एक आपको नीचे से जाती हुई क्रिएटिव लाइन नज़र आएंगी, जो साइड प्रोफाइल को बहुत ही खूबसूरत बनाती है। और अगर आप बात करें सी सेगमेंट की सेडान में, तो पाकिस्तान में ये सबसे लंबी लेंथ वाइज गाड़ी आपको सी सेगमेंट सेडान में देखने को नज़र आएगी। क्योंकि ओल्ड शेप की बात करें तो ओल्ड शेप से ये 2 इंच से ज़्यादा लेंथ ही दी गई गाड़ी। अगर आप इसकी रियल प्रोफाइल में देखेंगे तो आपको जो इसकी जो देखा जाए ना, होंडा की 11th जनरेशन में होंडा वाले यानी एज कम्पेयर टू वो इंस्पायर हुए हैं ऑडी जो है 4 की नस्बत। तो इसकी जो बैक लाइट है ना, वो ऑडी A4 से काफ़ी अर्निंग मिलती जुलती है। तो इन्होंने स्पेशली इसके अंदर जो दी गई लाइट्स, वो LED लाइट्स दी गई हैं और साथ में लावा लाइट्स दी गई हैं। और रियर पे देखेंगे तो आपको बम्पर्स के अंदर इसके आपको रिफ्लेक्टर नज़र आएंगे। और जो बैक प्रोफाइल को आप खूबसूरत बनाने के लिए उन्होंने इसके अंदर स्पॉइलर दिया गया जो पियानो ब्लैक कलर में दिया गया, जो गाड़ी की बैक प्रोफाइल को बहुत खूबसूरत बनाता है। और इसके अंदर जो शार्क एंटीना है वो भी आपको रियर पे पियानो ब्लैक कलर का नज़र आएगा। और अगर बात करें इसके अंदर आपको डुअल एग्जॉस्ट टर्बो RS है, तो स्पेशली इसके अंदर आपको डुअल एग्जॉस्ट देखने नज़र आएंगे जो सिर्फ टर्बो RS में है। ओरियल में सिंगल एग्जॉस्ट नज़र आते हैं, लेकिन टर्बो RS में आपको डुअल एग्जॉस्ट देखने नज़र आएंगे। और अगर आप ट्रंक स्पेस की बात करें तो ट्रंक स्पेस भी इसकी काफ़ी इनफ है। जो इसका एक न्यू फीचर है, अगर आपका जो गाड़ी, जिस तरह गाड़ी के बैग रखते हैं कोई, रखने गाड़ी की जो कीज़ आपके ट्रंक में रह जाती है, तो ये न्यू फीचर है कि अगर आप ट्रंक ऑफ करेंगे ऑटोमेटिकली ट्रंक इसका ओपन हो जाएगा। तो कीज़ आप इजीली आप इसके अंदर से उठा सकते हैं, तो कीज़ का चांस ही नहीं कि गाड़ी के ट्रंक पे रहा जाए। और स्पेशली जो बाद इसके जो ट्रंक के कवर है, ये बहुत ही यानी कि एक न्यू एडिशन है जो अच्छा दिया गया है। क्योंकि इसकी वजह से और जो साइड पे जो ट्रंक के दिया गया सिस्टम,
जो आपको साउंड क्वालिटी इंप्रूव होती है कि साउंड जो है बाहर का साउंड गाड़ी के कैबिन में ना आ सके, तो ये एक न्यू एडिशन है। तो ये काफ़ी अच्छा स्टेप लिया है होंडा वालों ने। अगर इसके स्पेयर व्हील की बात करें तो वो भी आपको लाइव व्यू में नज़र आएंगे, और ये इसकी टूल किट है। और अगर इसके स्पेयर व्हील की बात करें वो भी आपको रिम नज़र आएगा, तो स्टपनी नहीं है, प्रॉपर आपको एक रिम नज़र आएगा। तो आप रियर सीट्स में देखेंगे तो क्या क्या फीचर्स हैं, तो सबसे पहले आपको डोर में दिखाते हैं कि इसके अंदर आपको हार्ड प्लास्टिक और लेदर यूज़ किया गया, और लेदर आपको ब्लैक लेदर और रेड स्टिचेस के साथ नज़र आएगा। और आपको ये आप कार्बन फाइबर का टच लाजमी नज़र आएगा जो एक डिज़ाइन देता है। और आपको ये पियानो ब्लैक कलर का टच डोर में नज़र आएगा, और इसके जो डोर हैंडल है वो आपको सिल्वर रंग नज़र आएंगे, और साथ में छोटे ट्विटर भी हैं। और पहले आपको मुमन होंडा में बैक पे आपको स्पीकर देखने नज़र आते थे, लेकिन इन्होंने बैक डोर में इन्होंने इंस्टॉल किए हैं। और ये इसके रियर सीट्स हैं जो ब्लैक लेदर पैकेज और रेड स्टिचेस के साथ आती हैं। और इसके मिडल में आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको हम प्लास भी नज़र आएगा, और रियर पे एसी के वेंट्स भी दिए गए हैं। और इसका जो रूफ़ है, रूफ़ इसका आपको ब्लैक कलर में नज़र आएगा, क्योंकि ब्लैक लेदर पैकेज के साथ ये टर्बो आरएस आती है। और इसकी जो रूफ़ में आपको लाइट दी गई है वो भी एलईडी लाइट दी गई है। और ओवरऑल देखा जाए तो इसका रूफ़ जो है ब्लैक कलर में दिया गया, क्योंकि रूफ़ के जो डिज़ाइन किया था वो ब्लैक लेदर पैकेज के साथ उन्होंने अटैच किया गया। और अब बात करें अगर इसकी फ्रंट सीट्स और फीचर्स में, तो आपको ये सबसे पहले नज़र आएंगे इसके रिमोट के साथ साथ उन्होंने वॉलेट की भी दी गई है। तो ये टर्बो आरएस जो 2022 में लॉन्च की थी उसके अंदर आपको वॉलेट की भी इंस्टॉल दी गई। इसका मकसद ये है कि आप इसको अपनी पॉकेट में रखें और या वॉलेट में रखें तो आप इसको ईजिली ड्राइव कर सकते हैं। तो इसकी वजह से आपको कीज़ का होना लाजमी नहीं, आपके पास अगर वॉलेट की है तो गाड़ी को आप ईजिली ड्राइव कर सकते हैं। ये स्मार्ट एंट्री के साथ आती है, और इसके जो साइड मिरर रिट्रैक्टेबल मिरर इसके अंदर दिए गए। और अगर फ्रंट सीट्स में देखेंगे तो आपको वही आपको इसके अंदर हार्ड प्लास्टिक और लेदर रेड स्टिचेस का नाम नज़र आएगा। और इसके जो डोर आप मिरर देखेंगे जो वो आल ऑटो हैं इसके अंदर, और ये इसकी साइड मिरर की एडजस्टमेंट है। जो डोर हैंडल है उसके अंदर आपको सिल्वर रंग में दिए गए हैं, और आपको टर्बो आरएस में स्पेशली पियानो ब्लैक कलर के टाइप्स के साथ साथ आपको रेड रंग में एमलिंग लाइट्स लाजमी नज़र आएगी डोर्स के अंदर, फ्रंट डोर्स के अंदर, और आपको फ्रंट फुट्स के अंदर दोनों साइड पे आपको लाइट्स नज़र आएंगे, जो गाड़ी को नाइट व्यू बहुत ही खूबसूरत देती है। और बात करें इसके, अगर आप ट्रंक ओपन करना हो मैनुअल, तो आपको ये एडजस्टमेंट डोर के अंदर दी गई है। तो अब देखते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल में, फ्रंट सीट्स में, यानी कि ट्रेन में क्या क्या फीचर दिए गए। तो इसकी जो चीज़ दी गई वो मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ इसकी सीट्स हैं टर्बो आरएस में, और ब्लैक लेदर पैकेज के साथ है। अब हम चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ, के इंटीरियर में क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं। तो गाड़ी के इंटीरियर की बात करें तो सबसे पहले आपको मैंने जैसे बताया था, गाड़ी के अंदर जो है वो लेदर के साथ साथ ब्लैक लेदर के साथ साथ रेड रंग का जो टच लाजमी आपको नज़र आएगा। तो आपको स्टेयरिंग के अंदर भी देखें टच लाजमी नज़र आ रहा है। तो आपको जो स्टेयरिंग के साथ साथ आपको जो इसके गियर नॉच है उसके अंदर में आपको रेड स्टिचिंग के साथ साथ कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है, और सीट्स के अंदर और एमडी लाइट्स भी इसके अंदर रेड रंग की इंस्टॉल की है। और बात करें इसके डैशबोर्ड की, तो डैशबोर्ड में आपको जो एसी के जो वेंट्स नज़र आ रहे हैं वो बहुत ही यानी कि नॉन कन्वेंशनल स्टाइल में दिए गए हैं, और पियानो ब्लैक कलर का जो टच है ना आपको पूरे डैशबोर्ड में नज़र आएगा। ये पूरा डैशबोर्ड है। और अगर आप इधर एसी के वेंट्स की बात करें तो आपको पियानो ब्लैक कलर का टच लाजमी नज़र आएगा पूरी गाड़ी में। और देखेंगे तो ये जो अच्छा फीचर्स है, लेकिन डस्ट की सफाई के लिए इसका जो इशू बनेगा तो वो फिर इसको प्रॉब्लम आएगी इसकी सफाई कैसे की जाए। और अब बात करते हैं गाड़ी के स्टार्टअप की। तो ये गाड़ी का स्टार्टअप है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले गाड़ी के मीटर की बात करें तो ये जो आपको मीटर शो हो रहा है तो एनालॉग स्टाइल में मीटर शो हो रहा है, राइट साइड पे एनालॉग स्टाइल में, और दरमियान में जो आपको डिटेल मीटर नज़र आएगा। और देखा जाए तो ये आपको ये मीटर का हिस्सा नहीं नज़र ही आएगा, ये जो चीज़ है ना ये 7 इंच की LCD दी गई है। तो इसके अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है कि गाड़ी कितने किलोमीटर ड्राइव हो चुकी है, और ये टोटल गाड़ी ड्राइव हो चुकी इको मोड में है। और आप देखेंगे तो सिटी में इस बार ड्राइव की है मैंने, तो आपको 10 से 11 किलोमीटर सिटी में ड्राइव देती है, और लॉन्ग पे 15 से 16 किलोमीटर ईजिली ड्राइव यानी इसकी रेंज है। और इसके आपको सारे जो मीटर के एडजस्टमेंट है, आपको इसके अंदर जो इसके मोड दिए गए हैं ड्राइविंग मोड्स इसके अंदर दिए गए हैं, आपको स्पोर्ट्स मोड है, नॉर्मल मोड है, और ये इको मोड है। आपको इसके 7 इंच की LCD के साथ सिस्टम सर नज़र आएगा। डिस्प्ले आपने ऑन करना है, सेटिंग जो करनी है वो आपको सारी लेफ्ट साइड पे जो 7 इंच की LCD उसमें आपको
वो फीचर्स दिए गए हैं जो आप अपनी मर्जी से इसके अंदर आप एडजस्ट कर सकते हैं। और बात करें इसके मीटर की, क्या नाम, स्टेयरिंग की, तो स्टेयरिंग के अंदर आपको सबसे पहले होंडा का लोगो नज़र आएगा और आपका इसके अंदर एयर बैग है। सबसे पहले राइट साइड पे आपको क्रूज सिस्टम का सिस्टम दिया गया है, जो ठीक है, डोप्टिक क्रूज हर सिस्टम इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। और लेफ्ट साइड पे इसका इंटरटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। और पियानो ब्लैकर का टच आपको लाजमी स्टेयरिंग में भी नज़र आएगा, जो पूरी गाड़ी की स्टेयरिंग ही दिखे। और रेड स्टिचिंग के साथ साथ लेदर पैकेज में ही आप गाड़ी है, तो आपको जो इसका स्टेयरिंग व्हील है वो भी आपको लेदर पैकेज में ही नज़र आएगा, तो बहुत खूबसूरत है। और इसके अंदर आप बात करें, मैनुअल गाड़ी भी ड्राइव हो सकती है क्योंकि पैडल शिफ्टर भी दिए गए हैं इसके अंदर। राइट साइड पे इसके इंडिकेटर है और लेफ्ट साइड पे इसके अंदर आपको शावर का सिस्टम दिया गया है। और अब बात करें इसके डैशबोर्ड में, तो इसका जो आप बात करें 10 इंच का इंटरटेनमेंट सिस्टम दिया गया, जो एंड्रॉयड सिस्टम है, तो एस कॉल्ड शेप की निस्बत काफ़ी इंप्रूवमेंट दिखाई गई है। और आपको डैशबोर्ड में आपको पियानो ब्लैक कलर का टच लाजमी नज़र आएगा। और आप बात करें इसके एसी के, तो डुअल क्लाइमेट कंट्रोल इसके अंदर एसी दिया गया है, तो यानी ड्राइविंग साइड वाला अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकता है। और आप बात करें इसके पैसेंजर वाला अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकता है एसी की एडजस्टमेंट। और नीचे आएंगे तो आपको स्पेस के साथ साथ लाइट देखने नज़र आएगी। और बात करें इसके अंदर 12 वोल्ट के चार्जिंग स्लॉट दी गई, यूएसबी के स्लॉट दी गई। और इसके सेंटर कंसोल की बात करें तो इसके अंदर आपको नज़र आएगा, आपको कार्बन फाइबर का टच लाजमी नज़र आएगा, लेकिन है कार्बन फाइबर नहीं, ये प्लास्टिक दिया गया, लेकिन उसको टच कार्बन फाइबर का दिया गया। कप होल्ड नज़र आएंगे आपको, स्पोर्ट्स मोड, इको मोड और 3 मोड दिए गए हैं, नॉर्मल मोड दिए गए हैं। और आपको पार्किंग होल्ड बटन दिया गया और ब्रेक होल्ड का सिस्टम दिया गया। और इसके जो आर्मरेस्ट है, आर्मरेस्ट की स्पेस दी गई है, आर्मरेस्ट भी आपको देखने नज़र आएगा, ब्लैक लेदर और रेड स्टिचिंग के साथ लाजमी नज़र आएगा। और स्पेशली इसके अंदर एक और चीज़ थी, इसके अंदर इंटरटेनमेंट जो बैक पे दिया गया था ना, वो इसके अंदर फ्रंट पे इंस्टॉल नहीं किया। और अगर आप देखेंगे तो गाड़ी के जो लेफ़्ट साइड जो पैसेंजर साइड है, वो उधर भी आप ये पैसेंजर भी अपनी मर्जी से गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकता है। और देखेंगे रूफ़ में, तो रूफ़ में आपको सनरूफ नज़र आएगा, सनरूफ के साथ साथ आपको स्पेस दी गई है रूफ़ के अंदर कोई ग्लासेस रखने के लिए। और ये आपको सनरूफ ओपन करने के लिए सिस्टम यहाँ से दिया गया है। और ये इसके अंदर एलईडी सिस्टम है। और देखा जाए तो सनवाइज़र में आपको मिरर नज़र आएगा, लेकिन होंडा वालों में ये है कि इन्होंने अभी तक इसके अंदर लाइट इंस्टॉल नहीं की, सिर्फ उन्होंने मिरर दिया गया सनवाइज़र में। तो अगर आप बात करें इसके रियर मिरर की, तो इसके आपको देखेंगे तो आपको ऑटो डिमिंग मिरर दिया गया इसके अंदर। अगर आप ये इस वक्त ऑन है, अगर आप इसको ऑफ़ करना चाहें तो ऑफ़ कर दें, तो ये पुश करेंगे अब ये ऑटो डिमिंग मिरर ऑन हो जाता है। और इसकी जो आपको डैशबोर्ड में जो नज़र आएगी इंटरटेनमेंट जो स्क्रीन है, 10 इंच की इसके अंदर स्क्रीन दी गई है, तो ये इसका आपको एंड्रॉयड सिस्टम है, जो एज़ कम्पेयर टू ओल्ड मॉडल है, तो काफ़ी इंप्रूवमेंट दिखाई गई है। तो गाड़ी के अंदर इंटीरियर की बात करें तो बहुत ही यानी कि प्रीमियम लुक देती है एज़ कम्पेयर टू ओल्ड शेप। तो 2023 मॉडल है, तो जिसकी वजह से गाड़ी होंडा आर एस टर्बो जो है पाकिस्तानी मार्केट में काफ़ी फेमस है। और इसकी शॉर्टेज होने की वजह भी यही है कि गाड़ी मार्केट में मिल नहीं रही, डिमांड है लेकिन मिल नहीं रही प्राइस इंक्रीज़ होने की वजह से। अच्छा, जो मैं इसके अंदर मेन फीचर से आपको बताता हूँ, जिसके अंदर जो मेन फीचर टर्बो आरएस में दिया गया जो ओरियन में नहीं है, अडोप्टिक क्रूज सेंसिंग सिस्टम और लैंड असिस्ट मोड दिए गए। अच्छा, अडोप्टिक क्रूज का मकसद क्या होता है कि अगर आपने लॉन्ग मोटर पर गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, कि लॉन्ग ड्राइव पर गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, तो अगर आपने 100 पे इसका अडोप्टिक क्रूज लगा दिया है, तो अब मेन मकसद ये होता है कि गाड़ी जो फ्रंट पे आपके आगे वाला जो पर्सन होगा व्हीकल होगी, जब तक वो साइड पे नहीं होगी, तो ये गाड़ी उसकी स्पीड से रिड्यूस होके तो गाड़ी नीचे स्पीड लेगी, यानी 100 पे और तो यानी कि 80-60 पर लेगी। जब वो फ्रंट व्हीकल साइड पे होगा तो ये दोबारा वही 100 स्पीड मैनेज कर लेगी। ये इसका अडोप्टिक क्रूज का ये इसके बेनिफिट है। और लैंड असिस्ट मोड में ये है कि आप लैंड असिस्ट मोड ऑन कर दिया है, तो गाड़ी अगर लैंड से बाहर जाने लगी तो गाड़ी आपका स्टीयरिंग हार्ड हो जाएगा और बीप करेगी, आप गाड़ी यानी कि हैंड करके आपको लैंड असिस्ट बाहर नहीं जाने देगी। ये इसका लैंड असिस्ट मोड है। और टर्बो आरएस में एक ये भी फीचर है कि आप गाड़ी को बाहर से ऑटो स्टार्ट भी कर सकते हैं। तो आपने बस लॉक का बटन प्रेस किया और होल्ड के बटन को प्रेस करके रखना है और गाड़ी ऑटो स्टार्ट। इस फीचर्स में ये है कि गाड़ी का जो सिर्फ और सिर्फ आप जो इसका इंजन स्टार्ट होगा, और गर्मियां हैं तो आपको अंदर एसी स्टार्ट मिलेगा, सिर्फ इंजन के साथ साथ आपको इसका सिर्फ एसी इंस्टॉल मिलेगा और स्टार्ट मिलेगा। अगर आप गर्मियों की बात करें, सर्दियों में ये आपको ये होगा कि अंदर हीटर स्टार्ट हो जाएगा और कोई चीज़ इसकी एक्टिव नहीं होगी। और बात करें ये जो मैंने एक्टिव किया है 100 मीटर की रेंज से मैं इसको एक्टिव करके देखा है, तो ये एक्टिव होता है 100 मीटर की रेंज से।
और अगर आपने इसको बाहर से ही ऑटो ऑफ करनी हो गाड़ी, तो आपने होल्ड का बटन प्रेस करके रखना है, तो गाड़ी ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। और अब चलते हैं गाड़ी के मेन पार्ट इंजन की तरफ। तो वो आपको यहाँ पे दिया गया, ये देखिए लाइट आपको नज़र आ रही है, रेड रंग की लाइट इसके अंदर दी गई है, फुट स्पेन दी है, बहुत ही खूबसूरत व्यू देती है नाइट को। टर्बो आरएस के इंजन की बात की है, जिसके अंदर टर्बो इंजन आता है। और बात करें इसके पावर की, तो इसके अंदर 776 इसकी हॉर्स पावर है और 220 न्यूटन मीटर इसके अंदर टॉर्क दिया गया है। और ये जो गाड़ी आती है 7 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ गाड़ी आती है, और ये 4 सिलेंडर कार है। और इसकी जो फ्यूल की एफिशिएंसी आपके पाँव पर डिपेंड करती है, लोकल आप 10 से 11 किलोमीटर की रेंज निकाल सकते हैं, और अगर आप हाईवे पर जा रहे हैं तो आप 14 से 16 किलोमीटर आप ड्राइव कर सकते हैं। और बात करें इसके फ्यूल में, तो इसके अंदर आप मैंने जब से गाड़ी ड्राइव की तो हाई ऑक्टेन पे ड्राइव की है, लेकिन आप इसके अंदर नॉर्मल फ्यूल भी डलवाएंगे तो गाड़ी कोई नोकिंग कोई नहीं शो करेगी। आप इसके अंदर नॉर्मल फ्यूल भी डलवा के गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है कि आप इसके अंदर हाई ऑक्टेन डलवा के ज़्यादा फ्यूल की एफिशिएंसी और एवरेज की एफिशिएंसी लेना चाह रहे हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो मैंने ये टर्बो आरएस जो है इसको जब से मैंने गाड़ी परचेज़ की है हाई ऑक्टेन पे ड्राइव की है। और जो इसका जो बोनट है, बोनट के अंदर आपको शीट भी नज़र आएगी। शीट का मकसद ये है कि जो इंजन का साउंड है वो कैबिन के अंदर ना जा सके। तो मैंने अपनी गाड़ी जो थी, मेरे पास टर्बो आरएस जो मैंने 2023 मॉडल परचेज़ की थी, तो उसकी मैंने आपको इंटीरियर एक्सटीरियर में फीचर जो थे वो जो न्यू गाड़ी लॉन्च की थी पाकिस्तान में, तो उसके सारे आपको प्रोवाइड कर दिए। तो बात करें गाड़ी के अंदर फीचर्स काफ़ी हैं, तो टर्बो स्पेशली टर्बो आरएस में और टर्बो ओरियल में, और इसमें काफ़ी डिफरेंस है, प्राइस का भी डिफरेंस है और फीचर्स का भी काफ़ी डिफरेंस है। तो इसके अंदर कोई ऐसा फीचर नहीं है जो, हाँ इसके अंदर दो फीचर ऐसे हैं कि इसके अंदर इतनी प्राइस ब्रैकेट में आपको इलेक्ट्रिक सीट्स भी इसके अंदर इंस्टॉल करनी चाहिए, तो इसके अंदर सिर्फ 2 एयरबैग हैं, इसके अंदर कम से कम नहीं 6 एयरबैग होने चाहिए थे। और बात करें तो ये मुझे गाड़ी 74 लाख के बजट में पड़ी है, तो 74 लाख की इनवॉइस में मैंने गाड़ी परचेज़ की है। तो मेरे मुताबिक आजकल जो इसकी करंट प्राइस चल रही है वो 1 करोड़ तक है। अगर आप मार्केट से गाड़ी परचेज़ करने जाएंगे तो 1 करोड़ 5 लाख, 1 करोड़ 2 लाख आप इस पर यानी कि ऑन रख के गाड़ी परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये गाड़ी 74 लाख की इनवॉइस में परचेज़ की है, तो मुझे तो रीज़नेबल गाड़ी मिल गई है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि 74 लाख के बजट में गाड़ी वर्थ इट है कि नहीं है, और अगर आप 74 लाख के बजट में गाड़ी लेना चाह रहे हैं तो आप कौन सी गाड़ी परचेज़ करना चाहेंगे। तो लेकिन इसकी जो अगर आप करंट सिचुएशन की बात करें, तो अगर आप मार्केट से लेना चाहें तो 1 करोड़ 2 लाख की गाड़ी आपको परचेस मिलेगी, मार्केट में मिलेगी डिमांड के साथ ऑन के साथ मिलेगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो मेरे यूट्यूब सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, बेल आइकन में दबाना भूलेगा, दुआ में इस बाइक को याद रखिएगा। अल्लाह आप सबको सम्मान रखे, अल्लाह हाफिज़।